बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज किस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 9 है, हाइपरबोलिक फंक्शन। हमने शुरू किया था कम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि लेसन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए अभी लेसन नंबर 9 पे पहुंच गया। अभी इसी कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं और मैथ 403 जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका लेसन नंबर 9 है। अभी हम चलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डेफिनेशन, वैसे मैं आपको बताऊँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या हैं। अगर हम रियल नंबर्स में देखें तो रियल नंबर्स में अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए टू, अगर हमारे पास टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स जो है, ये यहाँ पर जो एक्स है ये हमारे पास रियल नंबर है। जब हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एवरेज को ले लेंगे तो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा इन रियल नंबर्स, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जो होगा वो रुकन होगा रियल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रियल नंबर में होगा और यहाँ पर भी अगर हम इनका डिफरेंट ले लें आपस में तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पर भी एक्स जो है वो रुकन है रियल नंबर का, ठीक है। अभी हमने सिंपली करना क्या है कि एक्स की जगह पे हमने जी पुट कर देना, जो कि जी जो होगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी हमने एक्स की जगह पे ये जी पुट कर देना है तो कॉस हाइपरबोलिक जी जो हमारे पास आ जाएगा, तो सिंपली हमने एक्स की जगह पे जी पुट करना था तो कॉस हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू ए की पावर जी प्लस सी की पावर माइनस सी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू ए की पावर जी माइनस ए की पावर माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। अभी ये टू मेजर जो हैं ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ हैं हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि टेन हाइपरबोलिक जी, कॉट हाइपरबोलिक जी, सीकन एंड कोसीकन जो है वो हम इन दोनों को की वैल्यूज को पुट करके इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टेन हाइपरबोलिक जी जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक जी डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक जी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक जी ये आ जाएगा। अभी कॉट हाइपरबोलिक जी हमारे पास टेन का उल्ट होता है, तो हम इस वैल्यूज को उल्ट कर देंगे आपस में तो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक जी आ जाएगा। इस तरह सीकन हाइपरबोलिक जी एंड कोसीकन हाइपरबोलिक जी आ गया हमारे पास। अभी हम रिलेशनशिप करते हैं बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी हमने रिलेशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें वही फंक्शन लेना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन कम्प्लेक्स एनालिसिस में। अभी कम्प्लेक्स एनालिसिस में साइन जी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है जो कि हमने लेसन नंबर 8 में की हुई है, तो वो है ए की पावर अयोटा जी माइनस ए की पावर माइनस अयोटा जी डिवाइडेड बाई टू अयोटा के हैं। तो अभी हमने इसमें इस वैल्यू में जी की जगह सिंपली पुट कर देना है जी इज इक्वल टू अयोटा जी के। तो जब हम साइन, क्योंकि ये जी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, तो साइन अयोटा जी इज इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर अयोटा अयोटा जी माइनस ए की पावर माइनस अयोटा अयोटा जी डिवाइडेड बाय टू अयोटा। अभी हमने सिंपली करना क्या है कि अभी हमने अयोटे को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है इस इक्वेशन के साथ। तो अभी साइन अयोटा जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए की पावर, अभी यहाँ पर हमने अयोटा जी डाला था तो ये अयोटे का स्केयर जी आ जाएगा माइनस ए की पावर फिर माइनस अयोटे का स्केयर जी आ जाएगा, और नीचे जो था वो हमने डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई, तो टू की पावर अयोटा आ जाएगा, अयोटे का स्केयर बन जाएगा जब हाँ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मल्टीप्लाई बाई वही अयोटा आ गया। अभी हमने सिंपली पुट ये कर देना है कि हमें पता है कि जब हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की तो शुरू में मैंने बताया था कि अयोटे का स्केयर जो होता है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन होती है। तो अभी हम माइनस वन पुट करेंगे यहाँ पर भी अयोटे की वैल्यू में, इसमें भी, और यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर साइन अयोटा जी इज इक्वल टू ई की पावर, क्योंकि यहाँ पर अयोटे का स्केयर है तो वो माइनस जी आ जाएगा माइनस, यहाँ पर अयोटे के साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस जो है वो इस अयोटे के स्केयर का होगा तो प्लस कर दे ई की पावर जी और डिवाइडेड बाय, जब ये दोनों अयोटे आपस में मल्टीप्लाई अयोटे का स्केयर आ जाएगा और माइनस टू आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई अयोटा आ जाएगा। अभी हमने इसमें से माइनस कामन ले लें, ठीक है, क्योंकि हमें जो एक्चुअली जो साइन हाइपरबोलिक जी है वो ई की पावर जी जो है वो प्लस में चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने इसको देखा है ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जी जो है ई की जी की जो है ई की पावर जी जो है वो प्लस में है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस में निकल रहा है। तो अभी हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कामन ले लेंगे यहाँ पर, तो ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय माइनस टू ऑलरेडी है, तो ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू ए की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अभी साइन अयोटा जी हमारे पास
अभी ये योटा आ गया, और ये जो फंक्शन है ये वाला पूरा का पूरा ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जी है। तो अभी अगर हम हमारे पास कहीं भी साइन योटा जी आए तो हम उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं योटा साइन हाइपरबोलिक जी। ये था रिलेशनशिप। इसी तरह कॉस का भी निकलेगा, इसी तरह टेन का भी निकल जाएगा, और सीकन और कॉट हाइपरबोलिक जी का भी जो रिलेशनशिप है टिक्नोमेट्रिक के साथ, इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम करते हैं प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टू प्रूफ दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से हम मैं यहाँ पर एक करूँगा। जो सेकंड प्रूफ होगा वो सेम सेम टू सेम उसी प्रोसीजर के तहत हो जाएगा। प्रूफ क्या है कि कॉस जी के मॉड का स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई। तो अभी हम हाँ प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है पहले वाला ही। तो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि कॉस जी इज इक्वल टू, तो जी का हमें पता है कि जी जो है वो हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई है, ठीक है। ये हमारे पास जी है, ये हमें पता है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कॉस एक्स प्लस अयोटा वाई, ये वाला। जब हम इसको ये लिखेंगे तो अभी हम यहाँ पर सम वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस बी वाला। तो वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अभी हम कॉस एक्स कॉस अयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन अयोटा वाई, ये हमारे पास एज अ ये वाला फार्मूला ओपन होने के बाद ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अहम फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी वाला। तो कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, अभी हम जब जैसे हमने इधर प्रूव किया था ये वाला, इनका जो रिलेशन है साइन अयोटा जी इज इक्वल टू अयोटा साइन हाइपरबोलिक जी। तो अगर हम इसको कॉस के लिए प्रूव करेंगे तो ये अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर में जब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर के, तो उसके डिनोमिनेटर में ये वाला अयोटा नहीं होता जो कि कॉस में साइन में होता है। इस अयोटे को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी किया था, तो उसके साथ फिर अयोटा नहीं होगा। तो कॉस अयोटा वाई हमारे पास सिंपली कॉस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा माइनस, यानी इसकी जगह पे। अभी हम माइनस चलते हैं साइन एक्स है और साइन अयोटा वाई। अभी हमें पता है कि साइन अयोटा वाई, अभी हम रिसेंटली जो है ये अभी हमने प्रूव किया है कि साइन अयोटा जी जो होगा वो अयोटा साइन हाइपरबोलिक जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जगह पर हम अभी प्रूव किया है साइन अयोटा वाई, तो अयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। अभी हमारे पास कॉस जी, अभी क्या करेंगे हम अयोटे वाली जो वैल्यूज़ है उसको हम अलहदा करेंगे, तो कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया इस कम्प्लेक्स, इसको आप कंप्लीट एक कम्प्लेक्स नंबर कह लें इसको। इस कम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो है ये रियल पार्ट बन गया, माइनस ये वाला इमेजिनरी पार्ट बन गया। अभी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लेते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और अंडर रूट, जैसे कि मैंने नीचे किया हुआ था। अगर हमारे पास जी है कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो इसका जब हम मॉड लेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसी तरह जब हम कॉस जी का मॉड लेंगे तो हमारे पास ये रियल है, इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये आएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर प्लस माइनस ये वाली जो माइनस है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का स्केयर आ जाएगा। अभी हम बहुत साइड्स पे क्या लेते हैं स्केयर लेंगे, तो कॉस जी के मॉड का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स, ये जो स्केयर है ये पावर बन जाएगी इनकी, ठीक है। तो कॉस स्केयर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्केयर वाई प्लस साइन स्केयर एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अभी हम सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें पता है कि साइन स्केयर एक्स जो है वो हमारे पास होता है वन माइनस कॉस स्केयर एक्स के, ये हमारे पास एक वैल्यूज़ है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यूज़ ली हुई है। तो अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन में जाएं तो कॉस स्केयर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई इज इक्वल टू वन होता है। अगर हम हाइपरबोलिक इधर से ख़त्म करें तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि यार वन जो होता है वो कॉस स्केयर वाई माइनस प्लस साइन स्केयर वाई जो होगा वो वन होगा, लेकिन यहाँ पर जब हाइपरबोलिक आ जाएगा तब ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो ये इस इधर से हम कॉस हाइपरबोलिक स्केयर वाई की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास वन प्लस ये इधर आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्केयर वाई, एंड यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करेंगे साइन स्केयर एक्स की। साइन स्केयर एक्स की हमने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है और कॉस हाइपरबोलिक स्केयर वाई की ये वाली वैल्यू है। अभी हम सिंपली इसमें पुट करेंगे तो कॉस स्केयर एक्स वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई प्लस वन माइनस कॉस स्केयर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई आ जाएगा।
अभी हम सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अभी ये वाली नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास कॉस जी का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये हमारे पास ये जो प्रूफ था ये पहले वाला ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो अभी सेकंड जो है सेम इसी प्रोसीजर के ज़रिए आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड मैं मैथ 403 की जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो अपलोड करने जा रहा हूँ। शुक्रिया।